कुछ हमारे इस YouTube चैनल पर आप देख सकते हो ये कब का पेपर है। ये आपका है 23 का पेपर है, ठीक है। और ये 2023 का पेपर कब का है तो 13 नवंबर 2022 में जो पेपर आपको हुआ है NMMS का यूपी का, वहाँ का ये पेपर है। और इसे एक बच्ची ने हमें सेंड करा है और बहुत सारे बच्चों ने भी उसके बाद सेंड किया है, तो उन सभी बच्चों को पहले दिल से थैंक यू। और बहुत सारे पेपर इसके अंदर जो क्वेश्चन है हमारे, अप्रॉक्स मान के चलिए 120 या 125 क्वेश्चन जो है हमारी क्लास से, मात्र 4-4 घंटे की जो क्लास मैंने चलाई उसमें से आए हुए हैं। तो आप सभी ज़रूर जो है क्लासेस को देखिए अगर आपका आगे कभी पेपर है, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हम लोग मैट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और याद रखिएगा आगे जो भी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इसमें मैट का करेंगे, इसके बाद जो आगे आने वाली वीडियोज़ होगी उसमें सैट का करेंगे। तो याद रखिएगा आप सभी, आगे अगर आपका एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में भी भर भर के आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया आपका वो आया था, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, नंबर्स को ऑड वन आउट करना था। तो आप देखोगे इसमें जो सबसे पहला ग्रुप है इसमें क्या है, 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 जो हो जाएगा इस ग्रुप का नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ऑड नंबर है और बाकी सब प्राइम नंबर्स इसमें लिए गए। इसके बाद देखोगे इसमें जो आपका कलर वाला सिस्टम है, इसमें लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, ठीक है। तो कौन सा एक ऐसा कलर है जो इसमें जो है इनमें मैच नहीं करता है, तो याद रखिएगा बेटा लाल जो है वो सबसे भड़काऊ कलर होता है, ठीक है। उसे हटाकर बाकी सभी कलर के हैं नम्रता मतलब हल्के कलर होते हैं, तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा लाल। इसके बाद देखिए बेटा आगे अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की यहाँ पर, तो अगला प्रश्न आपको दिखेगा यहाँ पर क्या कि आपका जो है यहाँ पर बोला गया है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है, इसमें मतलब जो स्पेस है उनके बीच में। तो आप देखोगे यहाँ पर प्यारे बच्चों इस पेपर के अंदर, ठीक है, आपको क्या दिखेगा, देखो पी जो है पहले क्या था ABCD में, ओ पी, तो यहाँ ओ आया, यहाँ पी आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है, सी आया है, और यहाँ जी आया है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर सीक्वेंस क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो KLI और Z आ गया, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो BU, ठीक है, और DX है। इसी बात के FQ यहाँ पर आ गया, ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया यहाँ पर M और V आ गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस अगर सीक्वेंस को आप पहचानने की कोशिश करोगे तो इसमें सबसे इनसे हटकर कौन सा है, तो इसमें जो हटकर है वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पहले में अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, FG, ठीक है, FG जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे ने बिल्कुल सही लगा रखा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, ठीक है, आपका जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले एक बार फिर से इसको मैं ऐप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसमें इस बच्चे का डाउट लग रहा है। तो सबसे पहला आता है FGH, तो F आया, G आया, H आया, ठीक है, W, ठीक है, UV, ठीक है, WXYZ, तो क्या होता है U फिर V, W, X, सही है, LMN, सही है, PQ, तो यहीं पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही इस बच्चे ने करा है। इसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ AB, B के बाद C जो है आ गया, ठीक है, और D के बाद E आ गया। इसी तरीके से PQ के बाद R आता है, S के बाद T आता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी है, फॉलो कर रहा है इस पैटर्न को, U के बाद V, W, फिर X और Y, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है, बहुत माइंडेड बच्चा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आते हैं QOM, ठीक है, यहाँ पर देखो RST UV, ठीक है, और यहाँ पर भी वही पैटर्न चल रहा है और इसने बिल्कुल करेक्ट पहचान लिया पैटर्न, और ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखोगे एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका क्या है, कॉन्टिनेंट है, और अर्जेंटीना क्या है बेटा, एक देश है, अर्जेंटीना क्या है, एक देश है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे नीचे क्या है, नीचे आपसे बोला गया है, ठीक है, देखो मरकरी, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, और एसीटोन। तो आप देखोगे यहाँ पर जो मरकरी है, ठीक है, यहाँ पर जो पारा जिसे हम लोग बोलते हैं, देखो पेट्रोल, केरोसिन और एसीटोन, ये तीनों चीज़ें जो हैं प्राकृतिक मिलती हैं हमें, ये मरकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे नीचे बोला गया वुड, स्टोन, पेपर एंड का, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, क्रोक। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो काग है, ठीक है, काग कुछ बन नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही इसने लगाया है। इसके बाद आप नीचे देखोगे टिन, ठीक है, गैल्विन,
लीटर और उसके बाद पेंट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देखोगे बाकी सभी ये पांच पांच लेटर के हैं, पर वो क्या है, चार लेटर का है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आप देखोगे दही मक्खन चीज़ और ऑयल, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही इस बच्चे ने लगा रखा है। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। तो बेटा मैंने आपको इस तरीके वाले भी क्वेश्चंस को सिखाया था, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो रूबी कैसा होता है, रेड कलर का होता है। नीलमणि कैसा होता है, नीलम कैसा होता है, तो नीलम होता है नीला, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब आप नीचे वाले इस पैटर्न में देखो, इस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट कराया कि यहाँ पर देखो पहले में प्लस फाइव हो रहा है, उसके बाद थ्री का माइनस हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट कर इसने आंसर निकाल दिया ऑप्शन नंबर फोर, जो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि 16 जो है वो 56 है, 16 56, ठीक है। तो 16 का क्या करा जा रहा है, 16 का 3 से गुणा कर कर 2 को माइनस करा जा रहा है। इसी तरीके से इसको 3 से गुणा करेंगे और 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। 3 से गुणा करके 2 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 16 गुणे 3 कितना होगा, ठीक है। 16 गुणे 2, मिनट रुकिएगा बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, इसमें क्या करा जा रहा है, इसका 3 times कर कर इसका हाफ इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करा जा रहा है, 3 times कर कर हाफ ऐड करा जा रहा है, तो इसी तरीके से इसमें भी 3 times कर कर इसमें हाफ ऐड कर देंगे, इसका आंसर 112 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे नीचे वाले में देखो, यहाँ पर दिया गया 0.16, ठीक है, और फिर क्या करा गया, इक्वल टू कर लगाकर यहाँ पर 0.0016 कर दिया गया, तो यही काम यहाँ पर करोगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.0102, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे इस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट कराया, यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर कर प्लस क्या कर दिया है, 7 कर दिया है, तो वही काम यहाँ पर इसने 8 का स्क्वायर कर प्लस 9 करा, 90 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अंधेरे का क्या होगा, चिराग होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, प्यासे का क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। जिस तरीके से अंधेरे को जो है चिराग की रोशनी बुझा देती है, वैसे हमारी प्यास को पानी बुझा देती है, बिल्कुल सही कहा। मछली जो होती है, मछली रेत बताया, अध्ययन क्या हो गया, ठीक है। मछली जो होती है रेती से क्या कर, रेती जो होती है, ठीक है, सॉल उसकी मतलब ऊपर की बताया गया, और उसी तरीके से क्या है, अध्ययन का क्या है, कच्छा कच्छ, ठीक है, कच्छा कच्छ। मछली क्या होती है, सॉल यानी कि रेती। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो हमसे बोला गया है, ठीक है, चंद्रदर्श पद्धी कविता जो है, कविता है ये, ठीक है। अध्याय क्या होता है, अध्याय का मतलब होता है अध्ययन करना, चैप्टर जो होता है उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। घड़ी का मतलब होता है समय, ठीक है, और जो है थर्मामीटर जो होगा वो क्या होगा, ताप बताता है हमें, ठीक है। घड़ी जो है वो समय बताती है, थर्मामीटर ताप बताता है। मुसलमान जो होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, सिख जो होते हैं वो गुरुद्वारे में, बिल्कुल सही जवाब है। रुपया जो है वो भारत में चलता है, और येन जो है बेटा बांग्लादेश में नहीं चलती है, इसका गलत आंसर आप दे के आए हो। येन जो है करेंसी है हमारी जापान की, ठीक है, तो इसका आंसर होगा जापान, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या बोला गया है, किनारा, नदी का क्या होता है, किनारा, और तट किसका होता है, सागर का होता है, तट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। तो बेटा इसके बाद आगे देखो यहाँ पर क्या किया गया है, कल मैंने ये क्वेश्चंस करवाए भी थे, ठीक है, जिसमें एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी पुट आउट कर लिया था, और सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन देखो यहाँ पर पेपर के अंदर देखने को मिल गया। यहाँ पर सबसे पहले प्लस और मल्टीप्लाई का साइन चेंज होगा, तभी 3 आना है। नीचे वाले में क्या करना, डिवाइड और आपका जो है मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर देना, तभी ये आएगा। मैंने बोला था इनको ऑप्शन से हमेशा करके आना। इसके बाद आप नीचे वाला देखोगे तो इसमें भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, मल्टीप्लाई और प्लस का साइन आपस में चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा देखोगे तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद आप इसके नीचे वाला देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे, ठीक है, हमसे बोला गया 12, तो यहां पर डिवाइड की जगह पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड की जगह पे माइनस कर दें, और माइनस की जगह पे डिवाइड करके देखते हैं एक बार ये, ठीक है। देखो बेटा यहां पर क्या है, क्वेश्चन जो दिया गया है इसको ध्यान से अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपसे कहा था ऑप्शन से जो है इसको करके आना, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर बात करते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, हमसे बोला गया है यदि प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ, ये भी क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर रखे थे, और वैसे का वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देखोगे अगर इसका आंसर, तो इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ पर बोला गया 12, ठीक है, और प्लस का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है माइनस, 12 - 6 बोला गया है, ठीक है, डिवाइड का मतलब है माइनस, ठीक है, तो 12 - 6 बोला गया यहाँ पर,
देखो क्वेश्चन क्या है, हमसे बोला गया है, देखो प्लस का मतलब 12 डिवाइडेड 6 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था डिवाइड करोगे यहाँ 2 आएगा, 2 माइनस 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे अगर इनको तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 10 और यहाँ से माइनस 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर इस बच्चे ने दिया है। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले का भी आंसर क्या होगा, करेक्ट है ये 52। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर 34 का भी सेकंड ही होने वाला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों आगे आप देखोगे तो अगर आगे भी इसको हम सॉल्व करते हैं तो आगे आपको यहाँ पर दिखेगा क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 2 × 7, 2 × 7 मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, यहाँ पर बोला है। ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है प्यारे बच्चों वो बोला गया है प्लस है। ठीक है, सॉरी क्या है, प्लस है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ पर बोला गया आपको कि जो माइनस है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होगा, माइनस का अर्थ होगा मल्टीप्लाई। और इसके बाद हमसे बोला गया है कि जो तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा क्या है, इसके बाद प्लस जो दे रखा है, ठीक है, जो प्लस दे रखा है, प्लस का अर्थ क्या होगा, प्लस का अर्थ होगा डिवाइड। ठीक है, इसके बाद हमसे कहा गया है जो डिवाइड का साइन दे रखा है, इस डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, तो इस डिवाइड का मतलब बच्चों बता रहे हैं यहाँ पर कि डिवाइड का अर्थ होगा माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 8/5 बनेगा। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, 7, 7 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या बना देगा बच्चों, इसको बना देगा 50। ठीक है, क्या बनाएगा इसको, इसको बनाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर 56 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया प्लस माइनस 2, यानी 6 कर दें अगर यहाँ पर और प्लस कर दें 6 को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ से अगर देखते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 11, और 11 प्लस 6, तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि अगर हमें क्या है, देखो हमको बोला गया 5, ठीक है, 15 को क्या करना है प्यारे बच्चों, 15 को जो है माइनस 2 लिखा है, माइनस 2 का माइनस का मतलब है बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का देखो मतलब यहाँ पर बताया गया, जो डिवाइड है उसका मतलब है प्लस। ठीक है, तो यहाँ प्लस 900 कर दो। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है बेटा माइनस, तो माइनस क्या कर दो, 90 कर दो। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो यानी कि यहाँ पर क्या कर दो, डिवाइड 100 कर दो। तो जैसे ही ये 100 से डिवाइड होगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जैसे ही ये डिवाइड से है वो होगा, मतलब डिवाइड होगा, तो 9/10 बनेगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 प्लस कितना बन जाएगा, 990 बन जाएगा। ठीक है, 930। और इसके बाद क्या है, नीचे 10 है, माइनस करेंगे इसमें से, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा आपका, ठीक है, क्या आने वाला है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा आपका, 60 होगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका, क्या होगा, 60 होगा। अब देखो ए का मतलब है 26, ठीक है, तो हमसे बोला है सन का जो मतलब है वो क्या हो गया, 27 हो गया। कैट का मतलब क्या होगा, तो भाई ए का मतलब है 26 है ना, इसके बाद सी, और उसके बाद क्या कर दो इसमें, 24 ऐड कर दो। ठीक है, 26 प्लस 24 कितना हो गया जाके, हमारा 26 प्लस 24 हो गया 50। ठीक है, अब टी, टी का अगर उल्टा हम देखें तो टी क्या है, देखो टी जो होगा उसका क्या हो जाएगा, जो टी होगा आपका उसका क्या हो जाएगा, तो बेटा जो टी होगा वो लेगा हमारा 7, और उससे बन जाएगा 57। ठीक है, इसके बाद आप नीचे वाले क्वेश्चन में आओगे, यहाँ पर देखो कैरम, कैरम का इन्होंने बताया है क्या, कैरम जो है वो बन गया तुम्हारा जाके, देखो सी में एक माइनस हो गया वो बी बन गया, ए में एक माइनस हुआ तो जेड बन गया, उसी तरीके से आप एच में देखोगे एक माइनस करोगे तो एच में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ओ में माइनस करोगे एक तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एल एम एन ओ एन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर नीचे, तो हमसे बोला गया जो पेंट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको संख्या में जो है वो क्या बताया गया है, 74128। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पर बताया गया ई का मतलब होता है 5 है ना, तो इन्होंने कहा जो पेन है उसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पेन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 35 है, तो हमसे पूछा पेज का अर्थ क्या हो जाएगा, पेज का अर्थ 29, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 41 का ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट आंसर है, 42 का ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन।
तो बेटा आप यहाँ पे देखोगे हमसे कहा गया है इसमें कौन सी आकृति जो है वो जो है उत्तर हमें देना है, कौन सी आकृति जो है सही आकृति जो है वो क्रम में नहीं है। ठीक है, हमको यहाँ पर आकृति दी गई है, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सी आकृति जो है वो सही आएगी अगली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ कितनी लाइन थी, यहाँ तीन लाइन थी उसमें से एक कम कर दी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार लाइन थी उसमें से क्या कर दी, एक कम कर दी। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कितनी लाइन है, यहाँ पे खाली एक लाइन है। ठीक है, तो एक लाइन, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इस जगह पे आप देखना यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली आकृति से आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो एक लाइन कम कर दी और उसमें से एक कर दी, यानी आगे आने वाली जो आकृति होगी उसमें खाली एक लाइन होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही आंसर होगा, और इसी तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 46 का जो सेकंड होगा वो सही होगा। 47 का क्या होगा प्यारे बच्चों, 47 का याद रखना 4 बिल्कुल करेक्ट है, 48 का क्या है बेटा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, और 49 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद बच्चों आप 50 का देखोगे तो 50 का फर्स्ट वाला करेक्ट है, और 51 का क्या है बेटा आपका, तो जो 51 है आप देखोगे इसको नीचे घुमा दिया इसी तरीके से, वो ऊपर है तो उधर क्या हो जाएगा, इसको भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्या कर देंगे 45 उधर की ओर जो आपका लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से आकृति बनी हुई थी तो उसको हमने क्या कर दिया, नीचे लगा दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसी आकृति में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपकी आकृति है वो क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। ठीक है, तो ये जो घूमेगी ये क्या बनाएगी आपका, ऑप्शन नंबर जो बी है सेकंड वाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सही जवाब इस बच्चे ने दिया है और बेहतरीन पेपर करके आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा और यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, 53 का ऑप्शन 1 होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप देखोगे 54 का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 55 का जो है ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 56 का यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों 57 का आंसर क्या आएगा, तो 57 का आप देखोगे तो इसमें आंसर क्या आएगा, आप देखो यहाँ पर क्या करा गया, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या करा, 24 + 1, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद इसमें जो है 59 में इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 60 में क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर जो होगा वो 4 होगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था और आज जो है ये पेपर में आ भी चुका है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सीधे आपके पेपर में जो है क्लासेस से आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, हमसे बोला गया जो सभी के अंदर पाया जाए वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया है नीचे की एनी किसी भी 2 फिगर के अंदर पाया जा रहा है वो कौन हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। तो बेटा इसका जो हो जाएगा 64 का, ये तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, नंबर सीरीज की बात करते हैं, तो नंबर सीरीज में आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखोगे आप क्या हो रहा है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो है 3rd करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 66 में जो है फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 67 में जो है ये सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 68 में जो है बेटा आपका 4th वाला बिल्कुल सही आंसर है, और यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 69 में, तो 69 में आपको दिखेगा सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर है, 70 में बेटा आपका क्या हो जाएगा, 3rd बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 71 में जो है वो सी हो जाएगा, और 72 में जो है ये सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 73 के अंदर जो है बेटा ये 4th वाला करेक्ट आंसर है, 74 में जो है ये फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और 75 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, तो बच्चों 76 का ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट आंसर होगा, 77 का ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या कहा गया, हमसे कहा गया है कि रैबिट, डियर, ठीक है, और जो मैमल है, ठीक है, ये क्या होगा, तो ये देखो आप जो मैमल के अंदर क्या हो जाएगा, रैबिट डियर दोनों ही आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे नीचे ह्यूमन बीइंग शिक्षक, तो शिक्षक कोई भी हो सकता है, ग्रेजुएटेड भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है, हो सकता है वो ग्रेजुएट से ज़्यादा हों, ठीक है, ग्रेजुएटेड भी हों और उससे ज़्यादा भी हों, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो देखो जो मानव होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक शिक्षक भी होता है,
ठीक है, हो सकता है ना, हो सकता है उसने ग्रेजुएशन करके करा हो या फिर पता चले ग्रेजुएशन किए बिना भी करा हो, और कुछ ग्रेजुएटेड टीचर्स भी होंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ये है सेकंड वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला बोल रहा हूँ, सॉरी सेकंड वाला नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बाघ, बाघ जो होगा बाघ, फॉक्स, लोमड़ी, ठीक है, हम ये सभी क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं, तो मांसाहारी होते हैं पर अलग अलग होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा फोर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखो फ्लावर क्लॉथ और सफ़ेद, ठीक है, फ्लावर भी सफ़ेद हो सकते हैं, क्लॉथ कपड़े भी सफ़ेद हो सकते हैं, ये सभी सफ़ेद हो सकते हैं, तो इसका जो बेटा होगा ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये बता रहा हूँ, सॉरी क्षमा करना, सेकंड वाले का जो होगा ये थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा 81 का क्या होगा, थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्या है, इंजीनियर डॉक्टर पीपल, तो कुछ लोग इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, सभी लोग इंजीनियर और डॉक्टर, देखो व्यक्ति जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे, इंजीनियर भी होंगे उसमें से कुछ और कुछ डॉक्टर भी होंगे, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे थीव, लॉयर, क्रिमिनल, ये वाला देखो अपराधी, वकील, और ये वाला मैंने करवाया था, बस अपराधी वकील की जगह पे मैंने यहाँ पे जज आ गया, तो आप देखोगे तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, देखो वकील अलग है, अपराधी और जज अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। सागर, द्वीप, पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ अलग चीज़ होती हैं बेटा, आइसलैंड जो होते हैं वो सागर में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इन सभी का कोई मेल मिलाव नहीं है, ये सभी अलग अलग हैं, तो जब ये अलग अलग हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो पहाड़ी इनसे अलग हो जाएगी तो सागर, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। और इस वाले का जंतु, पालतू, ठीक है, अब देखो कुत्ता क्या होगा, ये पेट होता है इसमें आ जाएगा, और ये क्या होता है एनिमल भी होता है, तो ये दोनों इसी में आ जाएंगे, ठीक है, तो जितने भी एनिमल होते हैं उसमें से कुछ क्या होते हैं पेट होते हैं, और उसमें जो डॉग होता है वो बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर जो हो जाएगा ये आपका बनेगा जाके, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बेटा टू वाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो बच्चों अब आ गया है आपका क्या, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में बोला गया ए बी सी डी ई एफ जी तीन जो हैं अलग अलग वाहनों में यात्रा करते हैं, प्रत्येक वाहन जो है वो क्या है, एक वन है, एक टू कहलाता है, और एक क्या कहलाता है थ्री, और कम से कम दो यात्री होंगे, तो प्रत्येक वाहन पे दो यात्री हैं और दोनों का लिंग जो है, प्रत्येक वाहन में जो है दोनों लिंग यात्री के होंगे, ठीक है। अब इसमें से कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर, दो डॉक्टर हैं, दो इंजीनियर हैं, दो शिक्षक हैं, हमसे कहा गया है जो सी है वो महिला डॉक्टर है, सी जो है वो महिला डॉक्टर है, और जो ए है वह वाहन ए और एफ वह एक साथ जो है वाहन की यात्रा नहीं कर सकते, यानी कि ए मान लो यहाँ पर होगा, ठीक है, और एफ कहाँ पर होगा, इस जगह पे होगा। इसके बाद हमसे बोला गया जो बी है वो क्या है, इंजीनियर है, ठीक है, बी जो है वह पुरुष इंजीनियर है, वो क्या है, पुरुष इंजीनियर है, और ये महिला डॉक्टर है। हमसे बोला गया है जी जो है, ठीक है, जो जी है वह क्या है, एक शिक्षक है, जो जी है वो क्या है, एक शिक्षक है, शिक्षक के साथ यात्रा कर रहा है, जी जो है एक शिक्षक के साथ यात्रा कर रहा है, और डी क्या है, एक पुरुष डॉक्टर है, डी क्या है, एक पुरुष डॉक्टर है। और हमसे बोला गया है एक ही पेशे के संबंधित दो व्यक्ति एक वाहन पर नहीं रह सकते हैं, ए इंजीनियर नहीं है, ए जो है वो इंजीनियर नहीं है, और वाहन दो की यात्रा करता है, ए जो है ये किस पर यात्रा कर रहा है, वाहन नंबर दो की यात्रा कर रहा है, ए जो है वो कहाँ पर है, वो वाहन नंबर दो पर बेटा यात्रा कर रहा है, तो इसलिए इसको कहाँ पे ले चलेंगे, ये ए यहाँ ना होकर यहाँ होगा, ठीक है। और हमसे कहा गया है ए जो है वो इंजीनियर भी नहीं है, तो इंजीनियर नहीं है इसका मतलब सी जो है ए के साथ होगा, ठीक है, सी जो है वो किसके साथ होगा, वो ए के साथ होगा। इसके बाद हमसे कहा गया है कि जो है सी जो होगा वो ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमसे कहा गया है, अब इसमें क्या है, दो पैसे के लोग एक साथ नहीं रह सकते, तो अब देखो पहली चीज़ जो तुम्हारा, ठीक है, ये है, ठीक है, डी और बी यहाँ आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, जी जो है वो किसके साथ है, वो इंजीनियर के साथ है, जी जो है वो इंजीनियर के साथ है, इसका मतलब बी जो है वो इंजीनियर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर हमसे बोला गया सी किसकी यात्रा करेगा, तो प्यारे बच्चों सी जो है वो सेकंड वाले की यात्रा करेगा, ठीक है। इसके बाद हमसे बोला गया कितनी महिला सदस्य हैं, तो 3 महिला सदस्य होंगी, साधारण सी बात है। एफ़ का व्यवसाय क्या है, ठीक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या शिक्षक भाई, जो एफ है उसका व्यवसाय क्या है हमसे पूछा गया, जो एफ है उसका व्यवसाय क्या है, तो भाई एफ का व्यवसाय जो है वो हमें नहीं पता है भाई, हमसे वहाँ पर उन्होंने बताया नहीं कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या कौन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ए जो है वो महिला शिक्षक है, बी जो है वो पुरुष इंजीनियर है, सी जो है, ठीक है, बी जो है वो क्या है, पुरुष इंजीनियर है। तो भाई पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखो, हमने पढ़ा था कि जो है बी पुरुष इंजीनियर है, बिल्कुल सही जवाब है, और जो तुम्हारा ई है वो पुरुष शिक्षक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और नीचे संबंधित जो है तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो बेटा आप सभी के सामने ये सारे जो है मैट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने करवा दिया है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सैट का जो सॉल्यूशन है अभी वो हम आपको 10 मिनट में दे रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।